नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों ठीक रात के 9 बज चुके हैं और रात को 9 बजे अपना लाइव सेशन शुरू हो जाता है। दोस्तों एक बार सभी से सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज अपना कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 लेके मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच। दोस्तों पार्ट नंबर 1 में हमने देख लिया था कॉन्सेप्ट को, आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए डबल डेट ज्ञात करना, कैलेंडरों की पुनरावृत्ति इत्यादि कॉन्सेप्टों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी मेरे साथी आ चुके हैं लाइव। अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे दोस्तों, कैलेंडर अपना चल रहा है। इससे पहले घड़ी और पासा मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है मेरे प्यारे साथियों। कैलेंडर में मैं आपको एक बार वापिस जो कल वाला था उसको एक बार बताने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, हमने जो कोड देखे थे महीनों के कोड में, हमने सामान्य वर्ष का जो कोड देखा था वो क्या था, 14, 40, 250, 36, 146। चलिए यहां तक दिखाई दे रहा होगा। और हमने जो लीप ईयर के लिए कोड था वो था, यहां से एक एक घटा लेंगे, 0, 3, 40, 250, 36, 146। उसके बाद में जो दिनों के कोड थे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, जो दिनों के कोड थे मेरे प्यारे साथियों वो क्या थे। रविवार आए तो एक आएगा, तब आएगा 2, 3, 4, 5, 6 और 0। ये थे अपने किसके, महीनों के कोड। इसके बाद में हमने दोस्तों शताब्दी के कोड देखे थे कि 1900 की शताब्दी का यदि क्वेश्चन आए तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, नो चेंज लिखा था। 1800 आए तो आपको क्या करना है, +2 करना है। 1700 आए तो +4 करना है। 1600 की शताब्दी का आए तो +6 करना है। ऐसे ही 2000 की शताब्दी का आए तो +6 करना है। 2100 की शताब्दी का आए तो +4 करना है। और 2200 की शताब्दी का आए तो +2 करना है। यहां तक की बात मेरे प्यारे साथियों आपके पहले भी समझ में आ चुकी है। अब मैं आपको कल जो क्वेश्चन दिया था, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि 5 जनवरी 2002 का दिन क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों इसको ध्यान से समझना, 5 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था, यह मैंने आपको कल होमवर्क में क्वेश्चन दिया था कि आप लोगों को कमेंट करना है। काफी लोगों के कमेंट आए भी थे प्यारे साथियों। सबसे पहले अपने क्या लिखा था, तारीख, यानी मैंने लिख दिया डबल डेट ज्ञात करने वाला कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है। तो इसको एक बार फिर से मैं ध्यान से दोहरा रहा हूं आपको, जनवरी का कोड 2002 आपके कौन सा है, सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड मेरे प्यारे साथियों, ये छोटे हैं तो बड़े कर देता हूं इनको, 14, 40, 250, 36, 146। जनवरी का कोड 1 है तो ये मैंने लिखा 1। उसके बाद में दोस्तों वर्ष के अंतिम दो अंक यानी 02, फिर लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर इसमें आएगा नहीं, और पर्सन 2000 का है इसका मतलब +6 करूंगा तो 5, 6, 2, 8, 6, 14 के 4 हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपका 14। टोटल कितना आ गया, 14। और 14 में जब 7 का भाग देंगे दोस्तों तो दो बार पूरा पूरा चला जाएगा और 0 आया। 0 का मतलब मेरे प्यारे साथियों आप देख सकते हैं उधर लिखा हुआ है, 0 आने का मतलब कौन है, शनिवार है प्यारे साथियों। यहां तक की बात तो कल हमने कर ली थी, हमने ये आपको लास्ट में होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसका मैंने एक बार दोहरान कर दिया है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, फिर हम डबल डेट ज्ञात करने वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है जिसका आपको कमेंट करना है आंसर। जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है आपका 10 मई 1857, 10 मई 1857 क्रांति का जो है शुरुआत हुई थी, उस दिन कौन सा दिन था, बताइए दोस्तों। 10 मई 1857 के दिन कौन सा वार था, कौन सा दिन था दोस्तों, वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। 1800वीं शताब्दी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक बार सभी मेरे प्यारे साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, आपको हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलना है दोस्तों। कैलेंडर का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है कैलेंडर का, 10 मई 1857 को। चलिए
बहुत बढ़िया, काफी लोगों के कमेंट आने लगे हैं मेरे प्यारे साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों होगा रविवार। क्या हो जाएगा दोस्तों? रविवार आपका राइट आंसर आने वाला है। देखिए कैसे, सबसे पहले तारीख लिखूंगा 10, उसके बाद में महीने का कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। दो आ रहा है तो ये लिखा दो, वर्ष के अंतिम दो अंक 57 और 57 में भाग दिया किसका, 4 का, तो आपके लीप ईयर कितना आएंगे, 14 आएंगे, 14 आएंगे, ठीक है दोस्तों। और 1800वीं शताब्दी का है तो प्लस 2 करूंगा, यहां पर देख सकते हैं 1800 शताब्दी का प्लस 2 करना है। सबको जोड़ेंगे दोस्तों, 7 और 2 9 और 4 13, 14 15 के 5, हासिल का 1 हो गया, 6 और 1 7 और 1 8 कितना हो गया दोस्तों, 85 आपका आ गया है। 85 में डिवाइड कर देंगे दोस्तों किससे, 7 से करेंगे तो एक बार चला गया, ठीक है, आपके बच गए 15, 7 दूनी 14, दो बार चला गया, लास्ट में बच गया 1, 1 का मतलब क्या है दोस्तों, उस दिन कौन सा वार था, रविवार था मेरे प्यारे साथियों। क्या था? रविवार। तो जिन साथियों ने भी रविवार आंसर किया है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, आप निश्चित रहें दोस्तों। ये कोड आपके इधर लिखे हुए हैं दोस्तों। अब यहां पर रविवार आ चुका है, जिनका नहीं आया था, जो कल क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, मैंने इस कॉन्सेप्ट को एक बार वापिस दोहरा दिया है मेरे प्यारे साथियों। अब मैं आपको नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चल रहा हूं, जो कि बड़ा कॉन्सेप्ट माना जाता है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट माना जाता है कैलेंडर में दोस्तों। अपना नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डबल डेट ज्ञात करना दोस्तों। कौन सा कॉन्सेप्ट है? डबल डेट ज्ञात करना। जी हां दोस्तों, अगला अपना कॉन्सेप्ट जो है वो है अपना डबल डेट ज्ञात करना। अब दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आएंगे, मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, क्वेश्चन देखना दोस्तों। यदि 14 मई 1985, क्वेश्चन देखना, 14 मई 1985 को आपका था रविवार, 14 मई 1985 को आपका रविवार हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 अगस्त 2020 को, 15 अगस्त 2020 को कौन सा वार होगा दोस्तों। इससे पहले वाला क्यों जो क्वेश्चन देखा था उसमें आपको डायरेक्ट किसी तारीख का दिन पूछ रहा था, लेकिन इसमें और उसमें फर्क है, इसमें आपको किसी एक तारीख का दिन दिया हुआ रहेगा और किसी अन्य तारीख का दिन आपसे पूछा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका डबल डेट ज्ञात करना दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे साथियों। ध्यान एकदम आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए दोस्तों। क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है कि एग्जामिनर जो होता है दोस्तों, एग्जामिनर पर आपको विश्वास नहीं करना है ऐसे प्रश्नों में। कैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 14 मई 1985 को रविवार है, तो यह कंफर्म नहीं है कि इस दिन रविवार ही था, ठीक है, रविवार से अलग कोई अन्य दिन भी हो सकता है। तो हमें पहले क्या करना है, इस 14 मई 1985 का दिन निकालना है अपने वाले तरीके से, बात समझ में आ गई। उसके बाद में 15 अगस्त 2020 की तरफ चलेंगे, कैसे चलेंगे ध्यान रखना है। 14 मई 1985 को यदि रविवार आता है तो अपना 15 अगस्त 2020 को जो आएगा वही वार हम बताएंगे। यदि एग्जामिनर हमसे झूठ बोल रहा है तो हम भी उसी के अकॉर्डिंग झूठ बोलेंगे, यानी यदि रविवार से आगे जा रहा है तो हम भी आगे जाएंगे, रविवार से पीछे जा रहा है तो हम भी पीछे जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझने का प्रयास करना है। कैसे समझना है दोस्तों, मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं आपके किसका, 14 मई 1985 का वास्तव में रविवार था या नहीं था, एक बार चेक करेंगे। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट वही चलेगा, कोड वही चलेंगे, नियम वही चलेगा, ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या लिखूंगा, 14 मई का कोड क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई का कोड क्या है दोस्तों, 2 हो गया है। वर्ष के अंतिम दो अंक कितने हैं दोस्तों, 85 है, और आपका लीप ईयर कितने आएंगे दोस्तों, 21 आएंगे, 21 लीप ईयर आएंगे, और 1900 का पर्सन है तो कोई चेंज नहीं, यानी 0 जोड़ दिया है, 4 2 6 5 11 1 12 का 2 हो गया, 8 1 9 9 1 हो गया आपका दोस्तों 10, ठीक है, 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया दोस्तों, कितने हो गए, 122 हो गए हैं, कितने हो गए, 122। अब हमें क्या करना है, 122 को डिवाइड करना है किसे, 7 से, तो 7 एकम 7, पीछे बच गया कितना, 5, 7 7 गुण 50,
ठीक है दोस्तों, पीछे बच गया आपका तीन। तीन का मतलब क्या है दोस्तों, तीन का मतलब क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए कि तीन का मतलब क्या है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, तीन का मतलब तो मंगलवार है, यानी कि एग्जामिनर हमसे झूठ बोल रहा है दोस्तों। समझने का प्रयास करना कि ये 14 मई 1985 को है, रविवार बता रहा था, हमने इसकी जांच पड़ताल की, सीबीआई जांच करवाई, तो दोस्तों 14 मई 1985 को अपना कौन सा वार निकल गया, मंगलवार निकल गया, यानी कि ये पीछे जा रहा है, कितने दिन पीछे जा रहा है, दो दिन पीछे जा रहा है दोस्तों, मंगलवार से पहले सोमवार और सोमवार से पहले रविवार, ठीक है, हमें भी पीछे जाना है दोस्तों इस वाले डेट में। तो अब हमें क्या करना है कि 15 अगस्त 2020 का बार निकालना है दोस्तों। ये मंगलवार को क्या बता रहा है, रविवार बता रहा है मेरे प्यारे साथियों, मंगलवार को क्या बता रहा है, रविवार। यहां पर देखिएगा 15 का 15 लिखा, अगस्त का कोड क्या है दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मेरे प्यारे साथियों अगस्त का कोड 03 है, वर्ष के अंतिम दो अंक आपके 20 हैं और 4 से 5 बार डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और 2000 सदी का क्वेश्चन है तो प्लस 6 करने हैं मेरे प्यारे साथियों। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, 5 और 3 8 और 5 13 13 और 6 हो गए आपके 19 के 9 और हो गया ये 3 और 1 4। अब मैं गुण 50 में भाग लगाऊंगा 7 का तो पूरा पूरा चला जाएगा दोस्तों। शेष पल क्या आया, 0। 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 0 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, शनिवार होता है, अपनी भाषा में 0 का मतलब क्या होता है, शनिवार। लेकिन यहां पर मुझे बताओ राइट आंसर शनिवार रहेगा क्या, नहीं रहेगा, वेरी गुड, क्यों नहीं रहेगा दोस्तों। अब हमने यहां पर पता लगाया कि ये मंगलवार को क्या लिख रहा है, रविवार लिख रहा है, मंगलवार को क्या लिख रहा है दोस्तों, रविवार लिख रहा है, तो हम शनिवार को क्या लिखेंगे, यहां पर ये -2 कर रहा है तो हम भी -2 करके कौन सा वार बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, गुरुवार बताएंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। क्वेश्चन क्या है एक बार वापिस शांति से समझ लेना, अपना जो ध्यान है एक जगह केंद्रित करके देख लेना दोस्तों, कॉन्सेप्ट हमने जो कल पढ़ा था वही है लेकिन सवाल का तरीका चेंज है। ऐसे क्वेश्चनों में नए जो विद्यार्थी होते हैं वो गलती कर देते हैं और आजकल एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है हाईलाइट हो रखे हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। आपको किसी एक तारीख का पर्टिकुलर दिन दिया रहेगा, जैसे यहां पर दिया हुआ है कि 14 मई 1985 को रविवार है, दूसरी एक तारीख और दी जाएगी उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस दिन कौन सा वार होगा। तो हमें पहले क्या करना है, एग्जामिनर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हुए पहले उस तारीख का जिसका दिन दिया हुआ है उसका हमें चेक करना है कि वास्तव में उस दिन वह दिन है या नहीं है। जैसे हमने चेक किया कि 14 मई 1985 को हमने ये चेक किया, सबसे पहले तारीख लिखनी है, उसके बाद में महीने का कोड लिखना है, फिर वर्ष के अंतिम दो अंक, उसमें लीप वर्ष कितने आए, और फिर शताब्दी कोड जितने आते हैं उसमें 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना आया 3, और 3 का मतलब अपनी भाषा में क्या है मेरे प्यारे साथियों, मंगलवार है, और मंगलवार है लेकिन एग्जामिनर हमें क्या बता रहा है कि 14 मई 1985 को कौन सा दिन है, रविवार है, तो हमसे झूठ बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमसे 15 अगस्त 2020 का पूछा हुआ है उसमें हम भी दो दिन पीछे चले जाएंगे। तो 15 अगस्त 2020 का हमने दिन निकाला, सबसे पहले तारीख लिखी, फिर महीने का कोड, फिर वर्ष के अंतिम दो अंक, और फिर 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ, और प्लस 6 इसलिए क्या है क्योंकि 2000 की शताब्दी है, और टोटल कितना आया, 49 में 7 से डिवाइड किया तो कितना बच गया मेरे प्यारे साथियों, 0 बच गया, और 0 का मतलब कौन सा बार होता है, शनिवार। लेकिन वास्तव में आंसर शनिवार नहीं देना है क्योंकि एग्जामिनर भी मंगलवार को रविवार बता रहा है, तो हम शनिवार को मेरे प्यारे साथियों क्या बताएंगे, गुरुवार बताएंगे। एक बार बात समझ में आ गई है तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। डबल डेट ज्ञात करने का ये कॉन्सेप्ट कैलेंडर में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट माना जाता है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग एक बार लाइव चैट को बंद करते हुए एक बार वीडियो को लाइक करके आ जाइए और शेयर करके आ जाइए दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसी टाइप का, चलिए दोस्तों जल्दी से एक बार इसको लिखना है तो लिखो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो,
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपके बहुत इजी तरीके से। यह है डबल डेट ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट और कैलेंडर में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 26 जनवरी 2004 को रविवार है। क्वेश्चन ध्यान से समझना कि यदि 26 जनवरी 2004 को आपका क्या है, रविवार है, 26 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा वार होगा। ध्यान से समझना दोस्तों, 15 अगस्त 2022 को कौन सा वार होगा। जल्दी से करेंगे इसको हल और सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। दोस्तों सभी लोगों को कमेंट करना है, आपको एक तारीख का दिन दिया हुआ है कि 26 जनवरी 2004 को आपका रविवार है, तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा वार होगा। चलिए एक बार जल्दी से इसको हल कर लीजिए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों। जी दोस्तों बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों आपकी, आप तो बस तैयारी करते रहिए हमारे साथ। यदि आपको कोड याद नहीं हुए तो इस तरफ लिखे हुए हैं, देख भी सकते हैं आप। जल्दी से एक बार इसको हल कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। पहले हमें चेक करना है कि 26 जनवरी 2004 को वास्तव में रविवार है या नहीं है, एग्जामिनर कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों। एक बार आपको चेक करना है दोस्तों। चलिए यदि कर लिया है तो ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, सोमवार, शुक्रवार, रविवार। चलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों वो आपका रहेगा रविवार। कौन सा रहेगा, रविवार। जिनका भी रविवार आंसर था, जिन्होंने रविवार आंसर बताया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब आप ध्यान करना बोर्ड की तरफ जिनका आंसर नहीं आया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 26 जनवरी का निकालना है, 26 जनवरी 2004 का निकाल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले तारीख लिखेंगे 26, अब मैं बार बार यहां नहीं लिखूंगा क्या लिख रहे हैं, ठीक है। महीने का कोड 2004 क्या है, ध्यान करना, 2004 मेरे प्यारे साथियों लीप ईयर है, 2004 कैसा है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में जनवरी का कोड मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, जीरो होता है। कई लोगों ने यहां पर गड़बड़ कर दी होगी। वर्ष के अंतिम दो अंक कितने हैं, 04 है, और 4 से कितनी बार डिवाइड है, एक बार डिवाइड है, प्रश्न 2000 का है इसलिए प्लस 6 करूंगा, सबका टोटल 6 और 4 10 10 और 7 17, और 2 और 1 हो गया है आपके 3, ठीक है। अब 37 में भाग लगाएंगे 7 का, तो 5 बार जाएगा, 7 5 हो जाएंगे 35, पीछे बच गया 2, पीछे कितने बच गए दोस्तों 2, और 2 बचने का मतलब मेरे प्यारे साथियों क्या है, आपका सोमवार है। 2 बचने का मतलब क्या है दोस्तों, सोमवार है। अब ये एग्जामिनर हमसे झूठ बोल के क्या बता रहा है, सोमवार को रविवार बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों। क्या बोल रहा है, सोमवार को बता रहा है रविवार। हमें भी घोटाला करना है एक दिन का, एक दिन हम भी पीछे जाके बताएंगे उसको आंसर। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि 15 अगस्त 2022 का निकाल रहे हैं। यहां तक बताइए सोमवार कितने लोगों का आ चुका था, आपको कमेंट करके बताना है कि सोमवार एग्जैक्ट कितने लोगों का आ चुका था। यहां पर ध्यान करना है जीरो क्यों आया है, कि क्योंकि लीप वर्ष में जनवरी का और फरवरी का कोड बदल जाता है, यह आपको वापस ध्यान करना पड़ेगा। सोमवार को क्या लिख रहा है दोस्तों, रविवार लिख रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए 15 अगस्त 2022 का निकाल रहे हैं, 15 अगस्त 2022 का है, 15 अगस्त 2022 का निकाल रहे हैं, तो 15 लिखा, अगस्त का कोड 3 है, वर्ष के अंतिम दो अंक 22 है, और 4 से 5 बार डिवाइड होंगे, पर्सन 2000 का इसलिए प्लस 6 करूंगा, टोटल कितना हो रहा है दोस्तों, 5 और 3 8 2 10 5 15 और 6 21 हो गए, और आपके 3 और 2 5 हो गए, 51 हो गए दोस्तों। कितने हो गए, 51, और 51 में डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 7
गुण 50 आ गया और पीछे कितना बचा दोस्तों, दो। दो का मतलब क्या है दोस्तों, सोमवार है। दो का मतलब फिर से अपने पास क्या आ चुका है दोस्तों, सोमवार आ चुका है, कि एग्जामिनर भी सोमवार को क्या बता रहा था, रविवार बता रहा था। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भावी शिक्षकों, हम भी क्या बताएंगे, सोमवार को, रविवार बताएंगे। अपना फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों, रविवार आएगा। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, रविवार। क्या किया हमने, सबसे पहले 26 जनवरी 2004 की जांच पड़ताल की, क्या वास्तव में रविवार था, पकड़ा गया रविवार नहीं था, क्या था, सोमवार। तो सोमवार को ये क्या बता रहा है दोस्ततों, रविवार। तो हम भी क्या करेंगे, 15 अगस्त 2022 का दिन निकालेंगे। टोटल किया 51 आए, 7 का भाग दिया, दो पीछे बचे, दो का मतलब सोमवार, और हम भी सोमवार को क्या बताएंगे दोस्तों, रविवार बता देंगे। क्या बता देंगे दोस्तों, शेर और शेरनियों जाग जाओ जल्दी से, सोमवार को क्या बता देंगे, रविवार बता देंगे। एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। आपके पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपके, कि डबल डेट कैसे ज्ञात करते हैं, डबल डेट का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से, सिंगल डेट वाले कॉन्सेप्ट पे ही चलता है, कोई हार्ड क्वेश्चन ज्यादा होता नहीं है। नंबर कोड 14 40 250 36 146 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है कि यदि 18 मार्च 2002 को, ध्यान से समझना, कि यदि 18 मार्च 2002 को, 18 मार्च 2002 को आपका था सोमवार, क्या था दोस्तों, 18 मार्च 2002 को आपका कौन सा वार था, सोमवार था, तो आपको बताना है 15 सितंबर 2007, 15 सितंबर 2007 को कौन सा वार होगा। जल्दी से कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का, आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है वही उसी टाइप का, कि 15 मार्च 2002 को मेरे प्यारे साथियों क्या है, सोमवार है, तो आपको निकालना है 15 सितंबर 2007 को कौन सा वार होगा। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से मेरे प्यारे साथियों कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेन कॉपी लेके जल्दी से बैठे और जल्दी से इसको हल करें दोस्तों। चलिए, काफी लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसको हल कर दीजिए दोस्तों। डबल डेट ज्ञात करने का क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों आ चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर, फाइनली आंसर आएगा, वो शनिवार आएगा दोस्तों। कैसे आएगा वो देखते हैं, फटाफट से 18 मार्च का चेक करें, 18 मार्च 2002 को कौन सा वार था। सबसे पहले मैंने 18 लिखा, फिर जनवरी फरवरी मार्च का कोड दोस्तों 4 है, वर्ष के अंतिम दो अंक कितने हैं, 02 है, लीप ईयर आएगा नहीं, 2000 का प्रश्न है, तो प्लस 6 किया, कितने हुए टोटल, 6 और 2 8 4 12 और 8 20 हो गए, और आपके हो गए 30, 30 में 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28, पीछे बचा 2, 2 का मतलब क्या है दोस्तों, सोमवार है। दो का मतलब क्या है दोस्तों, सोमवार है। दो का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, सोमवार होता है। इसका मतलब ये सोमवार को क्या लिख रहा है, सोमवार ही लिख रहा है। इस बार एग्जामिनर हमसे झूठ नहीं बोल रहा है, इस बार एग्जामिनर बिल्कुल सच बोल रहा है दोस्तों। तो हम भी क्या करेंगे, सच बोल देंगे, 15 सितंबर 2007 का वार निकालेंगे। सबसे पहले 15 लिखा, सितंबर का कोड देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का कोड 06 हो गया दोस्तों, ठीक है। वर्ष के अंतिम दो अंक 7 हो गए, लीप वर्ष 1 ही आएगा, और 2000 का प्रश्न है तो 6 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 6 5 11 11 और 7 आपके हो गए 18 1 19 19 और 6 25 के 5 हो गए दोस्तों, और आपका हो गया 2 और 1 3, 7 का भाग लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, 7 का भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, 7 5 35, शेष पल क्या बचा दोस्तों, 0 और 0 का मतलब क्या है दोस्तों, शनिवार। ये शनिवार को हम भी क्या बताएंगे दोस्तों, शनिवार ही बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई, क्या बताओ एक बार, कि हमने क्या किया, 18 मार्च 2002 को हमें सोमवार बता रहा था, हमने जांच पड़ताल शुरू कर दी रोजाना की तरह,
और पाया गया कि सोमवार को ये सोमवार बता रहा है, यानी बिल्कुल 100% सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, तो हम भी सच बोल देंगे। इसमें क्या है, हमने 15 सितंबर 2007 का बार निकाला, क्या आ रहा था, शनिवार, और हम भी शनिवार को क्या बता देंगे, शनिवार बता देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। डबल डेट ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट आपके पूरा समझ में आ चुका है क्या, एक बार बता दीजिए आप, फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या ये यहां तक का समझ में आ चुका है क्या आपके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक का समझ में आ चुका है, तो अब मैं इन सबको मिटा रहा हूं दोस्तों। यदि अब भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप इस लाइव सेशन के बाद में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। यदि आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम लिख के, अपनी सिटी का नाम लिख के और अपनी जेंडर का नाम लिख के। दोस्तों लड़कियों का अलग ग्रुप है और लड़कों का अलग ग्रुप है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कैलेंडरों की पुनरावृत्ति। क्या है दोस्तों, कैलेंडरों की पुनरावृत्ति। दोस्तों कैलेंडरों की पुनरावृत्ति का मतलब क्या है कि 2020 चल रहा है, 2020 जैसा कैलेंडर वापस कब आएगा, यह होती है कैलेंडरों की पुनरावृत्ति। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए, दिए गए वर्ष के, ध्यान से समझना, दिए गए वर्ष के अंतिम दो अंकों में, दिए गए वर्ष के अंतिम दो अंकों में चार का भाग देंगे, चार का भाग देंगे यदि शेषफल। अब यहां पर आपको तीन नियम ध्यान रखना है, यदि आपका शेषफल क्या क्या आएगा, तब कौन कौन से कितने जोड़ने हैं आपको। यदि शेषफल एक आता है तो दिए गए वर्ष में छह जोड़ेंगे। दोस्तों पहली बात ध्यान रखनी है कि यदि शेषफल, यदि शेषफल एक आता है तो दिए गए वर्ष में, दिए गए वर्ष में प्लस छह करेंगे, दिए गए वर्ष में मेरे प्यारे साथियों क्या करेंगे, प्लस छह करेंगे। पहली बात समझ में आ चुकी है क्या कि दिए गए वर्ष में कितना जोड़ना है, छह जोड़ना है। यदि आपका शेषफल दो या तीन आए, ध्यान से समझना, यदि शेषफल, यदि शेषफल दो या तीन आए तो दिए गए वर्ष में, दिए गए वर्ष में प्लस 11 करना है। प्लस क्या करना है दोस्तों, प्लस 11 करना है। बात समझ में आ गई क्या, दिए गए वर्ष में दो या तीन शेषफल आता है भाग देने पर, तो क्या करना है, 11 जोड़ना है। और यदि शेषफल आपका जीरो आ जाए, मेरे प्यारे साथियों तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, यदि शेषफल आपका जीरो आए, यदि शेषफल जीरो आए तो प्लस 28 करना है। क्या करना है दोस्तों, प्लस 28 करना है। ध्यान से समझिएगा, वापिस बता रहा हूं, कैलेंडरों की पुनरावृत्ति का मतलब क्या है कि कौन सा कैलेंडर वापिस रिपीट होगा, सेम टू सेम कैलेंडर आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हमें क्या करना है, दिए गए जो भी वर्ष है कि इस वर्ष का कैलेंडर वापिस कब आएगा, उसके अंतिम दो अंकों में किससे भाग करना है, चार से भाग करना है। और चार से भाग करने पर यदि आपका शेषफल एक आ जाए, प्यारे साथियों यदि शेषफल क्या आ जाए, एक आ जाए, तो आपको क्या करना है, प्लस छह करना है। क्या करना है, प्लस छह करना है। यदि आपका शेषफल दो आए या यदि आपका शेषफल तीन आए, उन दोनों ही स्थितियों में आपको उस वर्ष में कितने जोड़ने हैं, 11 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं दोस्तों, 11। और यदि आपका शेषफल जीरो आ जाए मेरे प्यारे साथियों, तब आपको कितने जोड़ने हैं, 28 जोड़ने हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं कि यदि सोहन का जन्म दिवस 15 जुलाई 2017 को, यदि सोहन का, मैं इसको मिटा के लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मिटा के लिख रहा हूं दोस्तों, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में और यहां पर लिख देता हूं एक बार,
एक बार ध्यान से समझना कि यदि आपका शेषफल क्या है, एक आए, तब आप क्या करेंगे, प्लस छः करेंगे। यदि आपका शेषफल दो या तीन आए तो आप प्लस ग्यारह करेंगे, और यदि आपका शेषफल जीरो आए तो आप क्या करेंगे, प्लस अट्ठाईस करेंगे। कुल मिला के ये आपका निचोड़ रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना। यदि सोहन का जन्म पंद्रह जुलाई 2017 को है, 15 जुलाई 2017 को है, तो वह अपना, ठीक है, 15 जुलाई 2017 को है और इस दिन क्या है दोस्तों, रविवार है, तो वह अपना अगला जन्म दिवस कब रविवार को ही मनाएगा, दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से समझना वापिस, क्या कह रहा है कि यदि सोहन का जन्मदिवस 15 जुलाई 2017 को उसने मनाया है और उस दिन मेरे प्यारे साथियों क्या है, रविवार, तो वह अपना नेक्स्ट जो बर्थडे है वह किस वर्ष मनाएगा कि उस दिन भी क्या हो दोस्तों, रविवार हो। इसका मतलब सीधा सीधा आपसे पूछना चाह रहा है दोस्तों कि 2017 के जैसा कैलेंडर वापस कब आएगा, 2017 के जैसा कैलेंडर दोस्तों वापस कब आएगा। दोस्तों हल कर लीजिए जल्दी से, दिए गए वर्ष के अंतिम दो अंक में चार से भाग कीजिए, यदि शेषफल एक आ रहा है तो छह जोड़िए, शेषफल दो या तीन आ रहा है तो ग्यारह जोड़िए, और शेषफल जीरो आ रहा है तो आप प्लस अट्ठाईस करिए। ठीक है, बहुत सरल है, 2017 दे रखा है, 2017 का मतलब क्या है दोस्तों, 17 में 4 का भाग देंगे तो आपका कितना बच गया, पीछे 1 बच गया, और 1 का मतलब क्या करना है, प्लस 6 करना है। इसका मतलब 15 जुलाई तो दे रखा है, ये काम का नहीं है, प्लस क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, और 17 और 6 क्या हो गया दोस्तों, 23 हो गया, यानी अपने सोहन जो है अपना बर्थडे वापिस रविवार को ही मनाना चाहता है, तो 15 जुलाई 2023 को वो अपना बर्थडे मना सकता है। यानी 2017 के जैसा कैलेंडर वापिस कब रिपीट होने वाला है दोस्तों, 2023 में वापस सेम टू सेम रिपीट होने वाला है। एक क्वेश्चन और समझना, मैं आपसे पूछ लूं प्यारे साथियों, मैं आपसे पूछ लूं कि 2020 के जैसा कैलेंडर वापस कब आएगा, 2020 जैसा कैलेंडर वापस कब आएगा, ये बताओ। 2020 में जो अभी कैलेंडर चल रहा है, ऐसा कैलेंडर वापस कब आएगा, ये सभी को कमेंट करके बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए 2020 जैसा कैलेंडर वापस कब आएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, 2020 है तो 20 में किसका भाग देंगे दोस्तों, 20 में भाग देंगे किसका, 4 का, और 20 में 4 का भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, और शेषफल क्या आया, 0 आया, 0 का मतलब क्या करना है, 28 जोड़ना है दोस्तों, 2020 में 28 जोड़ दीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्या आ चुका है, 2048 आपका राइट आंसर है। 2020 के जैसा मेरे प्यारे साथियों कैलेंडर आपको कब मिलेगा, 2048 में मिलेगा। इसका मतलब आप 2020 का कैलेंडर सुरक्षित रख लेना, वो आपके 2048 में वापस काम आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये आपका वीडियो कैसा लगा, आज का लाइव सेशन आपको कैसा लगा, कि हमने एक तो डबल डेट ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद में कैलेंडरों की पुनरावृत्ति के बारे में पढ़ा, इसमें घुमा के आपसे पूछ सकता है कि दादाजी इतने, ठीक है, दादाजी इतने वर्ष को जन्मे थे, उस दिन ये वार था, उनकी मृत्यु इस वर्ष में हुई, वो कैलेंडरों की पुनरावृत्ति का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मथुरिया वाली गाइड में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल भी जाएगा, आप हल करना। तो दोस्तों आपको लाइव सेशन कैसा लगा जरूर बताएं, और हर रात को 9 बजे आपको मिलना है हमसे, और यहाँ पर रीजनिंग का जो है लाइव सेशन चलता है। तो दोस्तों कैलेंडर का एक लास्ट अगला कॉन्सेप्ट और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे। दोस्तों सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, दोस्तों मिलते हैं एक नए लाइव सेशन के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।